Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. And in today's video, I am going to show you some of the products which I got off lately. क्योंकि अभी थी Valentine's Day sale थी, उसके पहले Republic sale थी और अभी Holi sale थी. So I got a lot of products. तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक haul video share किया जाए आप लोगों से के साथ. So yeah, without any further ado, let's get started. क्योंकि जो websites थी ना जिनके products मैं अभी दिखाने जा रही हूँ उन पे काफ़ी अच्छी सेल थी और काफ़ी अच्छे ऑफर्स थे काफ़ी अच्छे ऑफर्स थे तो जिसकी वजह से मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लिए और मैंने सोचा कि एक हॉल वीडियो बनाऊँ. अगर आप लोगों को भी ना उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स खरीदने हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगा. तो मैंने माई ग्लैम जो वेबसाइट है उससे कुछ मेकअप ऑर्डर किया था. एक्चुअली मुझे ना सडनली इंस्टा पे एक ऐड आया कि यू कैन गेट टू लिपस्टिक्स इन जस्ट रुपीज वन. और मैंने माई ग्लैम के काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे थे जहाँ पर दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ वेरी वेरी डिफरेंट लिप शेड्स. तो मैंने उनके रिव्यूज़ भी देखे थे तो मुझे काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ दिखे. तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार कुछ डिफरेंट ट्राई किया जाए. क्योंकि यूजअली जो मैं लिपस्टिक्स वगैरह एक्चुअली मैंने वहाँ से लिपस्टिक ऑर्डर की थी तो यूजअली क्या होता है कि जो मैं लिपस्टिक लेती हूँ ना वो काफ़ी न्यूड शेड्स या बड़े ही सटल से जो शेड्स लेती हूँ. सो इस बार मैंने सोचा कि यू नो आई ट्राई समथिंग डिफरेंट. क्योंकि माई ग्लैम पे यू नो यू विल गेट येलो पर्पल डार्क ब्लू ब्लैक काइंड ऑफ अ शेड्स. तो हाँ मैं उतना तो मैंने यू नो डेयर नहीं लिया बट हाँ मैंने कुछ जो ऑर्डर किया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है तो मैं आपको दिखाती हूँ. सो फर्स्ट लिपस्टिक विच आई हैव ऑर्डर्ड माई ग्लैम लिट लिक्विड मैट लिपस्टिक इन द शेड गोस्टेड. इट्स अ वेरी वेरी यू नो डीप पर्पल शेड जो कि आई थिंक अभी इट्स लुकिंग डिफरेंट. आई अप्लाई दिस लुक्स रियली रियली डिफरेंट. सो मेरे लिए मतलब ये काफ़ी बड़ा वो था लाइक आई वुड से अ डेयर था. क्योंकि मैं मतलब ऐसे शेड्स तो लगाना इट्स लाइक इमेजिन भी नहीं कर सकती. सो इट वॉज एक्चुअली अ डेयर फॉर मी बट आई रियली लव द शेड. अगर आप मेरे ब्लॉग्स फॉलो करते हैं तो ये एक्चुअली मैंने रिपब्लिक डे सेल के टाइम पे लिया था तो ये काफ़ी पुराना ऑर्डर था मेरा. मैंने सोचा कि इस वीडियो में इंक्लूड कर देती हूँ क्योंकि मैंने इसका एक प्रॉपर वीडियो नहीं बनाया था, मैंने इसका एक शॉर्ट बनाया था. तो अगर आप मेरा ब्लॉग फॉलो करते हैं तो आपने मुझे वहाँ पर ये लगाए हुए देखा होगा. एंड इट एक्चुअली सूट्स में मुझे थोड़ा सा डाउट था कि क्या ये सूट करेगा मुझे या नहीं करेगा. एक्चुअली सूट्स में क्वाइट वेल. मतलब एक बहुत ही फेस जो होता है ना एकदम ट्रांसफॉर्म हो गया था इसको लगाने के बाद में. और एक चीज़ और मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी क्योंकि मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ. ये बिल्कुल भी यू नो इट्स अ लॉन्ग वेयर लिपस्टिक. इसको मतलब साफ करने के लिए भी ना फर्स्ट यू हैव टू यूज़ योर क्लेंजर और शायद इसको ऑयल लगाकर आप जब इसको क्लीन करोगे तब जाके ये अपनी जगह से हिलता है. इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग वेयर लिपस्टिक so you have to be very careful. Moving on, so the second lipstick which I have ordered from my glam is in the shade swinger. It's a very rustic brown with a hint of red kind of a shade. I hope that makes sense. So it's a very you know brick brown kind of a shade. It's looking very different in this camera but it's a brown shade. It's looking quite red but it's not red. It's a very rustic brown shade which looks amazing. और इसका भी ये भी एक लॉन्ग वेयर लिपस्टिक है. ऑब्वियसली लाइक माई ग्लैम की सारी लिपस्टिक जो मैट लिपस्टिक्स हैं वो लॉन्ग वेयर है तो इसको भी क्लीन करने के लिए यू हैव टू यू नो हैव सम पेशेंस और काफ़ी ज़्यादा यू नो यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन गेटिंग रिड ऑफ दिस लिपस्टिक्स. ओके सो द थर्ड आइटम विच आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम माई ग्लैम इज दिस देयर ग्रीन आई लाइनर. इट्स अ ग्रीन कलर्ड आई लाइनर और ये भी वाटर प्रूफ है. इसको भी क्लीन करना इट्स वेरी डिफिकल्ट और ये बहुत ही अमेजिंग लगता है लगाने के बाद में. इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग शेड. मतलब अगर आप कलर्ड आईलाइनर पसंद करते हैं देन डू गिव इट अ ट्राई. इट्स हाईली हाईली रिकमेंडेड. और इसी सेक्शन से मैंने एक और आईलाइनर ऑर्डर किया था विच इज़ दिस पर्पल. इस बार मैंने काफ़ी पर्पल ही चीज़ें ऑर्डर की हैं. पता नहीं क्यों आई पर्पल यू गाइस. इस बार पर्पल पे मुझे थोड़ा ज़्यादा प्यार आया है तो मैंने काफ़ी सारी पर्पल चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं. लुक एट दिस शेड गाइस. बट एक्चुअली इस कलर के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने फाउंडेशन कंसीलर लगाया है तब तो ये मतलब आप मेकआउट कर पाओगे दैट यू आर अप्लाइंग समथिंग.
अदरवाइज ये उतना मतलब उभर के नहीं आता है। कलर को, पर्पल कलर को आई वोंट रिकमेंड, क्योंकि ये उतना ना उभर के नहीं आया, उतना मजा नहीं आया लगाने के बाद में। लाइक पता ही नहीं चल रहा था दैट आई हैव अप्लाइड समथिंग, उसके ऊपर से मुझे थोड़ा सा ब्लैक आई लाइनर लगाना पड़ा बताने के लिए दैट आई हैव अप्लाइड आई लाइनर। बहुत ज्यादा लाइट शेड है ये, नो आई वोंट रिकमेंड दिस शेड। सो नेक्स्ट ये डब्बा है पर्पल का, जिसको मैंने अभी ओपन भी नहीं किया है, हालांकि मुझे पता है इसमें क्या है। सो आई हैव ऑर्डर्ड माई वन ऑफ माई फेवरेट कंसीलर, जिसको मैंने इस बार अपने मंथली एम्प्टीज में भी इंक्लूड किया था। तो ये आई थिंक एले गर्ल का कंसीलर है, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। इत्तू से प्रोडक्ट के लिए इतना सारा कचरा आया है। एनीवेज आई हैव ऑर्डर्ड दिस एले गर्ल प्रो कंसील फ्रॉम पर्पल। पर्पल की वेबसाइट से मैंने ये ऑर्डर किया था, मैंने ये पर्पल से लिया है और ये मुझे अराउंड 495 आई हैव पेड फॉर दिस, बट इसका रिटेल प्राइस 695। और अगर इस कंसीलर की बात करूँ तो इसको मैंने अभी अपने मंथली एम्प्टीज में भी मेंशन किया था। इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंसीलर अवेलेबल इन इंडियन मार्केट, मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है आफ्टर बेनिफिट्स। तो बेसिकली आई यूज बेनिफिट का एयर ब्रश कंसीलर, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, वो 3000 का आता है। तो उसको ना डेली अपने वीडियोस के लिए या डेली यूज के लिए यूज करने में थोड़ा सा पेन होता है, तो ये डेली यूज के लिए या डेली वेयर के लिए इट्स अ परफेक्ट परफेक्ट कंसीलर। तो यस, इफ यू आर लुकिंग फॉर अफोर्डेबल येट इफेक्टिव कंसीलर, यू कैन गो फॉर दिस, 100% रिकमेंडेड। दिस वॉज इट फॉर द मेकअप कैटेगरी। अब मूव करते हैं स्किन केयर पे, तो क्योंकि समर आ रहे हैं आई हैव ऑर्डर्ड फ्यू सनस्क्रीन। सो आई हैव ऑर्डर्ड दीज टू सनस्क्रीन्स फ्रॉम एक्वालॉजिका। इनकी वेबसाइट पे भी बहुत अमेजिंग ऑफर्स चलते रहते हैं, तो अगर आप सनस्क्रीन ढूंढ रहे हो या दूसरे यू नो कोई स्किन केयर ढूंढ रहे हो तो आप ट्राई कर सकते हो। वेबसाइट पे भी काफ़ी अच्छे ऑफर्स चलते रहते हैं, हालांकि मैं इनके प्रोडक्ट्स आई एम ट्राइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो मैं अभी इसके बारे में कुछ बता नहीं सकती, बट मेरे जानने वालों में से लोग ये यूज करते हैं प्रोडक्ट, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया तो इसलिए मैंने ये मंगा लिया है। तो आई हैव ऑर्डर्ड दीज टू सनस्क्रीन। सो मूविंग ऑन, दिस डब्बा इज फ्रॉम एम कैफीन। एम कैफीन के प्रोडक्ट्स का भी मैंने अपने चैनल पर काफ़ी बार काफ़ी रिव्यूज दिए हुए हैं, तो मैंने इस बार एम कैफीन से काफ़ी लंबे टाइम के बाद बहुत कुछ ऑर्डर किया। तो सो द फर्स्ट थिंग इज दिस कॉफी मास्क, बॉडी मास्क। एक्चुअली अभी मैंने जो सबको बताया कि मैं गई थी गोवा, बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी, तो यूजुअली क्या होता है कि जब टैनिंग होती है तो आप या तो डी टैन ले लेते हो या फिर आप ब्लीच ले लेते हो। इस टाइम आई हैव डिसाइडेड कि मैं कुछ भी ऐसा केमिकल ट्रीटमेंट नहीं लेने वाली, तो मैं इनकी वेबसाइट को स्क्रोल कर रही थी तो वहाँ मुझे मिला ये बॉडी मास्क विच इज़ फॉर बॉडी एंड अंडर आर्म्स, एंड दिस क्लेम्स कि ये बॉडी से डी टैन को हटाता है, ग्लो ऐड करता है। तो अभी तक तो आप देख सकते हो पूरा पैक ही है, मैंने ट्राई नहीं किया है। लेट मी ट्राई दिस एंड आई डेफिनेटली रिव्यू दिस फॉर यू गाइस, ताकि अगर ये इफेक्टिव नहीं है तो आपके पैसे बच सकें और इफेक्टिव है तो आप इसको यूज़ कर सको। सेकेंड प्रोडक्ट विच आई हैव ऑर्डर फ्रॉम एम कैफीन इज दिस नेकेड रॉ कॉफी बॉडी स्क्रब। दिस इज फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन, बट मेरी ड्राई स्किन है, बट स्टिल ये मुझे कॉफी स्टिल मुझे काफ़ी अच्छे से सूट होता है। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे मतलब मुझे कभी ना स्ट्रॉबेरी लेग्स वाला कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था, बट थैंक्स टू सम पार्लर दीदी। नमस्कार, मैं ममता दीदी, प्रोफेशनली आई एम पार्लर दीदी, पर्सनली आई एम योर माँ जैसी। एवरी गर्ल इज सेम, हेयरिंग फैट एंड ब्लैक हेड्स। उन्होंने रिकमेंड किया एक सर्टेन टाइप का यू नो वैक्स कि आप ये यूज करो, तो जिसकी वजह से आपको मतलब आपकी स्किन के लिए यही सूट होता है। तो मैंने वो ट्राई किया और उसकी वजह से मुझे धीरे 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 स्ट्रॉबेरी लेग्स हो गए। तो मैंने इसको जब से ट्राई करना शुरू किया है, मेरे स्ट्रॉबेरी लेग्स काफ़ी हद तक रिड्यूस हुए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू गेट रिड ऑफ स्ट्रॉबेरी लेग्स। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हो, अगर आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा डेड स्किन है या यू नो इनग्रोन हेयर है, स्ट्रॉबेरी लेग्स हैं, तो यू कैन गिव इट अ ट्राई। इसका मैंने एक डिटेल रिव्यू अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखा है, यहाँ पर मैं आई बटन पे उसे डाल दूंगी, तो अगर आपको डिटेल रिव्यू देखना है तो आप जाके देख सकते हो। सो उसके बाद में एम कैफीन से मैंने ऑर्डर किया है ये कॉफी फेस मास्क। दिस इज ऑल्सो फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन, बट आई डोंट नो मैंने ड्राई स्किन होते हुए भी क्यों ऑर्डर किया है, क्या सोच के किया है, आई डोंट नो व्हाट आई वाज थिंकिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट ये मैंने अब ऑर्डर कर दिया तो मैं इसको यूज डेफिनेटली करूंगी, इसका भी एक रिव्यू दूंगी। या सो अभी मुझे याद आ गया कि मैंने क्यों ऑर्डर किया था। दिस एक्चुअली फेस मास्क क्लेम्स टू रिड्यूस टैन फ्रॉम योर स्किन पिगमेंटेशन एंड हाइपर पिगमेंटेशन, तो इसलिए शायद मैंने ये ऑर्डर किया था।
हाइपर पिगमेंटेशन या पिगमेंटेशन का तो प्रॉब्लम नहीं है, बट टैन काफ़ी ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से मैंने ये ऑर्डर किया होगा डेफिनेटली। अभी मुझे ध्यान आ चुका है और इसको भी मैं ट्राई करने वाली हूँ। सो लास्ट प्रोडक्ट विच आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम एम कैफीन इज देयर लिप स्क्रब, क्योंकि अब जब मैं वीडियोज़ बनाती हूँ तो लिपस्टिक्स वगैरह, ये जो मैट लिपस्टिक्स होती है ना, इसकी वजह से लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, चैप्ड हो जाते हैं, और इसमें जो ये लाइनिंग्स है ना वो दिखने लग जाती हैं जब आप लिपस्टिक लगाओ जब भी, क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि एक लिप स्क्रब ट्राई किया जाए। यूजुअली मैं लिप स्क्रब घर ही पे बना लेती थी शुगर या कॉफ़ी को ऐड करके, बट मैंने सोचा इस बार थोड़ा सा फैंसी फील करते हैं और ट्राई करते हैं, इसी बहाने एक प्रोडक्ट आएगा उसका हम रिव्यू कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया विच इज़ अ लिप स्क्रब फ्रॉम एम कैफीन विच समवॉट लुक लाइक दिस। और तो ये एक्चुअली क्लेम करता है दैट इट रिड्यूसेस चैप्ड लिप्स और लिप्स से जो पिगमेंटेशन है वो भी सब हटाता है, और इसमें प्योर कॉफ़ी है। तो लेट मी ट्राई दिस। और इन सारे प्रोडक्ट्स के साथ में मुझे ये कुछ फ्री सैम्पल्स दिए हैं, जिसमें कि मैंने एक्चुअली देख चुका है इसलिए मुझे पता है, तो जिसमें कि एक ये फेस स्क्रब है और एक ये कॉफ़ी फेस वॉश है, और ये एक छोटू सा जो और एक छोटू सा जो मैंने ये ऑर्डर किया है ना कॉफ़ी स्क्रब, उसकी भी बॉटल है। तो ये अच्छा है, आपको इस टाइप के सैम्पल मिल जाते हैं तो आपको पता है कि नेक्स्ट टाइम आपको ऑर्डर करना है या नहीं करना है। तो दिस इज़ एक्चुअली अ गुड कॉन्सेप्ट जो आपको एम कैफीन, और हमेशा एम कैफीन आपको ना कुछ सैम्पल्स देता ही देता है अलॉन्ग विद दिस पोटली विच इज़ स्मेलिंग लाइक कॉफ़ी, जिसमें मुझे लगता है कितना सारा इन्होंने परफ्यूम डाल दिया है। यू नो आपको अगर इफ़ यू आर अ 90s किड ना, तो आपको पता होगा एक कोबरा सेंट आता था। अच्छा आप कोबरा का नहीं लगाती? अरे कोबरा का तो आम परफ्यूम नहीं भाजी, 150 का आता है और उसके ऊपर ऐसे सांप भी बना होता है। उसको परफ्यूम नहीं बोलते थे, उसको कोबरा सेंट ही बोलते थे। अभी परफ्यूम वाला कॉन्सेप्ट उस कोबरा के साथ नहीं था, वो जो लगाता था ना वो दूर से ही उसकी यू नो फ्रेग्रेंस इतनी स्ट्रांग आती थी कि आपको चक्कर आ जाए लिटरली। और इस पाउच में से वैसी ही फ्रेग्रेंस आ रही है, लग रहा है इसमें कोई कोबरा फैन था जिसने ये डाल दिया। अगर आपको पता है कि कोबरा सेंट क्या होता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड हाई फाई गाइस। मतलब कोबरा तो इट्स लाइक नॉस्टैल्जिया। दिस वाज द लास्ट आइटम फ्रॉम दिस वीडियो, सो आई होप आपको ये हॉल वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। टिल दैट टेक केयर एंड बाय बाय, एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन दैट अगर आपको इनमें से किसी का भी फटाफट से रिव्यू चाहिए ना, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू ऑल। सो दैट्स इट, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन सपोर्टिंग, टिल देन बाय बाय।